नमस्कार, सनातन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। टिकटॉक स्टार और भारतीय जनता पार्टी नेत्री सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। गोवा में हार्ट अटैक की वजह से 42 वर्षीय सोनाली फोगाट का निधन हो गया। सोनाली फोगाट ने 2019 में हरियाणा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था। चुनाव के दौरान वो टिकटॉक पर अपने वीडियोस के लिए भी काफी चर्चित रही थी। भाजपा नेता और अभिनेत्री सोनाली फोगाट का सोमवार रात गोवा में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मौत से कुछ समय पहले सोनाली फोगाट ने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, साथ ही उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी बदल दी थी। बताया जा रहा है कि वो अपने कुछ स्टाफ मेंबर के साथ गोवा गई थी। स्थानीय प्रशासन उनकी मौत की वजह की पुष्टि करने में जुटा है। बता दें कि सोनाली फोगाट रियलिटी शो बिग बॉस 14 का हिस्सा थी। इस शो के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई खुलासे किए थे। उन्होंने कहा था कि उनके पति की मौत के बाद उनकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर एक शख्स आया था। कुछ कारणों की वजह से ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। वैसे सोनाली ने उस शख्स का नाम उजागर नहीं किया था। बता दें कि सोनाली फोगाट का जन्म 21 सितंबर 1989 को हरियाणा के फतेहाबाद में हुआ था। सोनाली का सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। सोनाली ने 2006 में अपने करियर की शुरुआत हिसार दूरदर्शन में एंकरिंग से की थी। इसके दो साल बाद यानी 2008 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और पार्टी के लिए काम करने लगी। सोनाली फोगाट 2016 में उस समय चर्चा में आई जब उनके पति संजय की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इस समय सोनाली मुंबई में थी। पति की मौत के बाद सोनाली टूट गई थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोनाली फोगाट को आदमपुर से टिकट दे दिया। हालांकि वो चुनाव हार गई, लेकिन उनकी किस्मत पलट गई। 2020 में सोनाली फोगाट का एक वीडियो खूब वायरल हुआ था। इस वीडियो में सोनाली फोगाट एक अधिकारी को चप्पल से मारती हुई नजर आई थी। इसी साल सोनाली को बिग बॉस 14 के घर में जाने का मौका मिला। सोनाली टिकटॉक स्टार के साथ अभिनेत्री भी हैं और कई म्यूजिक एल्बम में नजर आ चुकी हैं। इनकी इकलौती बेटी है जिसका नाम यशोधरा है।